अच्छा इधर अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि मैं तमाम बहन भाई खेल सके। तो देख रहे होंगे कि ये क्या बनता है, ये क्या कर रहे हैं दुपट्टे का। दुपट्टा धुला हुआ मैंने आप सबके सामने उतारा पिछली वीडियो में। यहाँ से ये मैं बना रही हूँ पन्नीर। अम्मा जी बड़ी प्यारी सिस्टर है इंडिया से, तो वो कह रही थी बिना बहन आप ये चीज़ें क्यों नहीं बनाती, थोड़ा डिफरेंट करें ना अपने ब्लॉग में कुकिंग में। मैंने कहा ओके हो गया सिस्टर, तो इंशाल्लाह जनसा ना मैंने कहा आपके साथ में शेयर करूँगी। तो आते हैं मुझे खाने, सब बनते भी रहे हैं हमारे घरों में, ये बात नहीं है कि नहीं बनते रहे। तो ये मैंने ना दूध फाड़ा था तकरीबन कोई 2 किलो दूध था, 2-2.5 किलो पानी का बनेगा नहीं इसमें जन सौ पेन उसका सालन बना रही हो पनीर का इसका सालन सालन में इस्तेमाल। तो ये ना मैंने फाड़ते हुए आप सब बहन भाइयों को दिखाया नहीं, माजरत के साथ मैं भूल गई उस वक्त, क्योंकि मैं इसमें ना भाई को खड़ा करके चली गई थी। इसमें ना लीमू डाल के थोड़ा सा लीमू डाला था, थोड़ा सा सिरका डाला था, 2 चम्मच सिरके के थे तीन और 1 लीमू था मैंने, वो इसमें निचोड़ दिया था। फिर दूध फट गया तो उसका जंग सला ये बने, इसका सारा इतना भी दूध था ना पानी वो मैंने निकाल दिया हुआ, जिसकी फुटकरियाँ सी बन जाती हैं ना वो बच गया। इसमें वो दूध है, जब तक इसका सारा दूध निकल नहीं जाता ना इसका एक हल करती हूँ ना मैं, आसान भी होना शुरू होगी इसके ऊपर उठा के ना वजनी से एक दूधी रख देती हूँ। काम मेहनत वाला है थोड़ा सा, मगर शोरबे वाली चीज समझ भी नहीं आ रही है कि क्या पकाए। शोरबे वाली यही बनेगी और कैसे बनेगी ये भी दिखाऊंगा। तो आज हम बना रहे हैं बाग बढ़िया, तकरीबन मैं कोई 7-8 साल के बाद बनाने लगी हूँ आज ये, 7 साल के बाद बाग बढ़िया। पहले मैं बहुत बनाया करती थी, अब तो बस कहते हैं जी ज़्यादा मेहनत वाला काम, चलो कोई नहीं इसे भिगो के रख देती हूँ दाल को, फिर इसको पीस लूँगी मैं। इसको पीस नहीं दिए जी जी, इसको पीसना फिर सिल बट्टा होता है उस पर ज़्यादा पीस अच्छे से पीस जाती है, वैसे भी कुंडी डंडा है पीस तो उसमें भी जाएगी। इतना भिगो के रख देती हूँ, असूल तो इसका यही बनता है कि रात के उसमें भिगोए। देखिए हमारी मर्जी, हम चाहे ना इसे माश की दाल की बना लें, चाहे मूंग की दाल की, चाहे हम चने की दाल, जैसा दिल करता है ना वैसा बना। इसे मैं कुछ देर के लिए ना भिगो के रखती हूँ अच्छे से धो के, तेजाब मंगवाती हूँ वहाँ पे भी डालती हूँ। जैसे पता है कि दिन में मेहमान आए थे और कैसा हूँ नाश्ता किया था, तकरीबन के लिए मैंने चाय बनाई थी, क्योंकि वो रोज़ा नहीं रख सकती क्योंकि गुर्दों का मसला है, तो उसके चाहिए काफ़ी अच्छा दिन से ख़त्म हो गया और जोड़ों का भी दर्द रहता है। इसीलिए मोटापा ज़्यादा आ गया, क्योंकि बाजी मैंने मेरी से भी खानी होती है फिर इसलिए भी रोज़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, यानी मैंने 4 महीने 5 महीने रोज़े रखे हैं मज़ीद मैं नहीं रख सकता। मैंने कहा और भाई आप कर अल्लाह का मांगा है, तो इसको ना रख देती हूँ भिगो कर इधर धोप में। ये भी देख लेते हैं, इसको मैंने ना ये दो दिन रख दी थी कि इसका पानी जो है ना अच्छे से निचड़ जाए, निचड़ गया होगा भाई। कैसे प्लेट आएगी, प्लेट ही हट दे, चलो मैं लेके आती हूँ, ठीक हो गया ठीक है। फिर निकाल के ना ये उधर ले चलते हैं इसको,
और मोहम्मद क्या खाते हो? ये छुरी मैंने तो बोलू ना यहाँ से क्या काट के दू, ये काट के दू। अच्छा बेसन लगा हुआ पता नहीं है, मौके रखनी पड़ेगी। तो तेरे जीवन मोहम्मद क्या मैं ये काट दे? ये पकड़ो। अच्छा चलो अब बाहर चलो, जल्दी चलो जल्दी। बस इसमें ऐसे ही कर दो अब्तर, यहाँ पे ये तो कुमार ना झूले रखे हैं। ये खुश्क हो गई अच्छे से, इसे ना भी इसमें निकाल देती हूँ। बड़ी मेहनत हुई है इस पे। मैंने जोर से फेंक दिया ना, ये तोड़ने नहीं आती। तोड़ने नहीं आती है ये, ऐसे कटिंग करनी होती है इसको ऐसे। अच्छा इधर से भी टूट होगा। अपनी मर्जी, इसको चाहे बारीक काट लें चाहे इसको ना मोटा काट लें। इधर सारी कटिंग करके ना फिर अपने बहन भाइयों को दिखा दो। तो जी ये देख रहे होंगे ये बन गया, अब इसे मैं रख रही हूँ फ्रिज में, ठीक है। तो अब यहाँ से सारा सामान उठा लें, थोड़ी देर रखती फ्रिज में ताकि ना ऊपर वाले खाने में रख देती। और ये कपड़े जो धोने वाले हैं ये उठाओ यहाँ से पहले, वो दूसरी चीजें उठाओ उन्हों खड़े हो, अभी यहाँ से फिर दोबारा झाड़ू लगेगी पूरे घर की। ये दुपट्टा भी धोने वाला हो गया, अब इसको पहले पानी में से निकाल दूंगी। पतीला कहाँ गया वो जिसमें मैंने, अंदर है। मिलते हैं जी ब्रेक के बाद, पहले आके सफाइयां सफाइयां करते हैं सारी। मैं तो सारा समेट समूट के, सही है ना, खड़े होके मुझसे बर्तन नहीं धुल रहे। मैंने कहा ऐसे ही धो लेती हूँ यहाँ पे, और मोहम्मद नहीं करो, धोबी काफी तेज है। अरे मां जवाब दिए खड़ी है, क्यों भाई पूलिया देखा अपना, चलो जल्दी से नहाओ नहाओ आप। हाँ मामू वाले कपड़े बनाऊंगे, हाँ पिंडी जाएंगे, पिंडी जाएंगे ईद के बाद जाएंगे, है ना, बकरे ईद के बाद जाएंगे, ईद के बाद। हाँ जी दिलवा दे, क्या हुआ अगर पटाखे भी होते, ठीक है जी बर्तन धो लूँ उसके बाद करते हैं दूसरा काम। मैं कहती हूँ कपड़े पहना से वहां पे बर्तन धोते सारे और फर्श भी सारा धो रहा है, फर्श धो के तो फिर उसके बाद में कपड़े लगी प्रेस करने के मेरी गोद में, और मोहम्मद को भी मैं लाया, उसने भी अपने कपड़े चेंज किए। हाँ जी सही हो, खुद ही लाए हो, इसको बाल्टी भर दी थी ना पूरी नीचे बैठ के लाने। तो
यीशु तो मेरी गोद में कसम से इतनी गर्मी हुई है ना बुलाते हैं डॉक्टर जी और यहीं का काम होता है कमरे का पंखा उतार के यहाँ लगाए फिर रात को कमरे में सोना होता है क्या हुआ है हम बाहर ही सोया करेंगे तो मतलब गर्मी में सोया करेंगे गर्मी तो आ गई है गर्मी तो आ गई है कम से कम इसको ना दो घंटे तो हो गए इसको भीगे हुए ना अभी इसे ना अच्छे से पीस लेती हूँ जैसे मैंने बताया कि कोई मूंग की बनाता है कोई इसकी बनाता है माश की कोई चने की दाल की ये सारा मसाला भी इसी में जाएगा तो ज्यादा भी नहीं पीसना कि बिल्कुल भी बारीक नहीं लगना ना इसको दाल हमारी भी ना मुकम्मल पीसी नहीं है जैसे हमें पीसनी है सबकी हम किसी मोटी रखनी लेकिन अभी ना ज्यादा ही मोटी है तो मैंने कहा चलो कोई नहीं सी मैं ना साथ ही दूसरा मसाला मिक्स हो जाएगा सूखा ये धनिया तो सूखा होता है नमक मिर्च जीरा अदरक लहसुन और सब्ज मिर्च और मोहम्मद आप पिछड़ जाओ पिछड़ पिछड़ जाओ मेरा बेटा और इसी में पहले जोन से ना ये काली मिर्च पिछड़ जाओ ना खिलार के डालो ना वो खिलर जाएगी मेरा बेटा सारी खुद बखुदी जब डंडा लगेगा ना इसको तो ये अदरक लहसुन ये नमक और मिर्च से मैंने बताया कि 7-8 साल के बाद बना रही है ना मैं आप पीटोगे इसका जो असल मसला होता है ना वो पीसने का नहीं नहीं मैं पीसती हूँ पिछड़ जाओ पहले दिल कहता था बाप बढ़िया बना लो अब मेरा दिल कहता है कि वो बना लो मंगूचियाँ ये देख लो यहाँ पे आ गई मक्खी इसने गोला जन से यहाँ पे सारा यकीन माने वहां से सारा पता सब धुला इधर से सारी झाड़ू लगी है मगर फिर घर वैसे अब पनीर नहीं बना रही आप क्या चीज है अब क्या बना रही हो पनीर बना रही हो या कुछ नहीं ये बना रही हूँ पनीर तो मैंने वैसे बना के रखा है कल पालक वगैरह बनाएंगे या कीमा पापा ले आएंगे तो उसमें डाल लेंगे तब ये सारे को मेहनत बड़ी है इसमें यकीन माने आधे से ज्यादा घंटा हो गया मुझे इसे पीसते हुए आधा घंटा ऐसे मुसलसल हाथ चलाना मायने रखता अब अभी भी कम से कम मेरा 20 मिनट का काम अभी बाकी है 20 मिनट मजीद इसे पीसूंगी मैं इसे जो भी चीज खानी है मेहनत पर अचानक ही बैठे बैठे जेन में है मैंने कहा भाई शोरबे वाली चीज को हम कहते हैं अफ्तारी के टाइम शोरबा होना चाहिए बस शोरबा होना चाहिए दाल मुझसे नहीं खाई जाती शोरबे वाली अब खेल रहे हो अब बैठा हुआ है इसमें ना मैंने गरम होने के लिए डाल दिया भाई टाके झाड़ू सारा कुछ अच्छी तो फिर बाजी सी मई में जाए मैंने कहा बाजी अंदर जो सा ना ना बना लेंगे क्योंकि एक तो पूरे घर में मक्खी मक्खी भूसा चीनी का मैंने कहा उजाड़ा तो आज सुबह से मैंने कहा 4-5 बार टाके लग चुके हैं मक्खी बहुत ज्यादा हो पड़ी है आज तो मक्खी वाला ना पाउडर मंगवाती पहले मैं लगी थी पापड़ियाँ बनाने तो मैंने कहा क्यों ना मंगूठियाँ बना दी बहुत टाइम लगे तो इसमें प्याज भी डलते हैं लेकिन मैंने प्याज नहीं डाला और ये देख रहे होंगे दाल जिस तरीके से मैंने पीसी है मोटी मोटी दाल है ये और ये होती भी मोटी मोटी इसको बिल्कुल बारीक नहीं करना होता तो जैसे ये गर्म हो जाएगा अच्छे से फिर
इसमें जो सना ये डाल के ना इसको फ्राई कर दूंगी। तो इतने में ना काम करती हूँ, जैसे अदरक लहसुन और अदरक लहसुन पर क्या करोगे अम्मा जी? इसको पीसना है अभी अदरक लहसुन को ना, मैं इसलिए देखती हूँ ये गर्म हुआ कि नहीं हुआ। हो गया, इसमें क्या सब करीब करके दिखा दें। अपनी मर्जी, इसको चाहे गोल गोल करके डाल लें, चाहे इसे चम्मच की मदद से ना ऐसे डाल लें। खुद हम तो बड़े शौक से खाते हैं ये। मैं पहली दफा खा रही हूँ। मैं पहली बार नहीं, आप जब छोटी थी जब मैंने बनाई थी ना, डालने वाले इसमें मीठा सोडा भी डालते, लेकिन मैंने मीठे सोडा नहीं डाला, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो जो जो हो गई है ना वो निकाल दी हूँ मैं, जो अभी इधर मैंने बाद में डाली है वो नहीं बनी अभी, वो अभी कच्ची कच्ची है। इंशाल्लाह मुकम्मल बना के दिखाऊंगी सारी जब बनेगी। तो यहाँ पे ना अदरक लहसुन टमाटर नमक मिर्च और मोहम्मद नहीं, ठीक है? और जी जी नहीं लो आप इसका पापड़, चलो बैठो इधर बैठ जाओ। तो ये मैंने फ्राई कर ली हुई थी सारी, देख रहे होंगे मसाला भून के इसमें ऐड करेंगे, एक दो आलू भी साथ में डाल लेंगे जी। और मोहम्मद कुछ कपड़े मैंने वहाँ से अपने इकट्ठे करके अंदर रख के आई हूँ, अभी मजीद जो ना बच्चों के वो अलग अलग करके वो भी छांट के अलग रख देंगे। कैश ऑन मोहम्मद की गाड़ी एक साइड पे लगाओ मेरा बेटा, खेलोगे? ठीक है, मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है और इधर आलू भी हमारे आ गए हैं काट के, इसमें इसमें कर दिए हैं, ठीक है? जितना हमने पानी रखना होगा हम रख लेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि थोड़ा रखो ज़्यादा रखो ये या वो है, और यहाँ की मैडम चलाना ज़रूरी है। किचन में बर्तन ये रखे हैं, मैंने कहीं को ना बाद में धोने देखती हूँ, एक गिलास और डलेंगे ठीक है, ये भी करेंगे और आलू भी करेंगे। उसको दूध खत्म हो गया होगा? नहीं दूध है, अब इसको रख देती हूँ मैं ढककर, पहले उसे देखूँ कि उसको क्या मसला है, तूने बड़ा तंग किया हुआ है। छोटा सा सारा तब भी सही था, हर वक्त सोता रहता था। नहीं पीना, नहीं पीना सर, ये पीते तो काफी देर से यहाँ पड़ा हुआ, आते जाते जहन से निकल गया कि ये उठा लो। चलो कोई नहीं, क्या करे सुबह उठते रात हो जाती है, काम 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 आते, यकीन माने मेरी कमर भी दर्द कर रही है, दिल कर रहे कुछ भी ना करो आराम से लेट हो सो जाओ, मैं क्या करना रोजा जैसे खुद हम कह रहे मैं पठान होटल पहुंच गया हूँ, ज्यादा ज्यादा उन्हें 20 मिनट लगेंगे यहाँ घर पहुंचने में, मजीद आधा घंटा लग जाएगा। तो अभी पकौड़ों का सामान तैयार करना, पकौड़े तो मेरा दिल है कि ना बनाऊ, आलू बना लेती हूँ, वो ना बनाओ पकौड़े, आलू भी ना बनाओ वाले बेसन वाले, आपने बनाने बना लो मैं तो नहीं खाऊंगी, आप नहीं खाओगी, बैंगन बना लूंगी, बैंगन नहीं मिलेगा यहाँ से,
बैंगन मिल जाएंगे? हाँ बैंगन मिल ही जाएंगे दुकान से, बैंगन बना लेते हैं बेसन वाले। दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो बना लो। आलू तो घर पड़े हैं, आलू वाले बना लो फिर। चलो आलू बना लो। आलू भी बस मैंने ये काटे हैं, ज्यादा नहीं काटे, छिलके जो उनसे है ना। और मोहम्मद ने तो मुझे और भी आलू ला के दिए थे, मैंने कहा नहीं देख लें, सारी झाड़ू लगी, मगर फिर दरख्त की वजह से जो उनसे ना सारा फिर कचरा हो गया। और ये आलू रखो इधर, यहाँ से सुबह सारी सफाई करूँगी, सालन देखती हूँ कि कितनी देर है, सालन हमारा तैयार है। अब इसमें डालना हमने सब्ज धनिया और काली मिर्च। शाम भी हो चुकी है और खुद हम अभी पहुंचे हैं जी, जगह तो बताई थी, हेड मोहम्मद वाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या हुआ है बताओ मुझे पहले, क्या हुआ है? हबीबा हबीबा की मम्मा आई थी, अब मैंने तो काफ़ तारीख के बाद चली जाना, कहने लगी नहीं भाजी हमारा रोज़ा नहीं है। मैंने कहा नहीं बेशक रोज़ा नहीं है, लेकिन पास बैठ जाना, क्या हो गया? ये क्या पीर है? सारे कपड़े मैंने अलग अलग किए हैं, अभी अभी खुद हम के तो उठा के मैंने ऐसे ही अंदर रख दिया। और इधर ये आलू, मैंने कहा जी यही बनाते हैं, सालन बन गया। सालन का मदद से याद है, मस्त सबल धनिया था ही नहीं, मैंने डाला ही नहीं सबल धनिया, पहले मैंने कहा कोई नहीं है। सब्जी वाला आया भी है, मेरे जेन से ही निकल गया कि मैं उनसे सबल धनिया तो ले लो। हवा भी बड़ी तेज तेज है, पूरे शहर का आप देख रहे होंगे हाल, पूरे घर में पत्ता पत्ता निकला पड़ा है। कामरान का है रोज़ा, मैंने इसको कहा था हमारी साथ ही बैठ के इफ्तार करना, तो ये आ गया ठीक है। और ये छोटा भी यहाँ पे बैठा हुआ खेल रहा है, तो कैक्शा ने जो इंसान है यहाँ पे ना दस्तर खान तो दिया लगा और सामान भी लगा दें। रखो मेरा बेटा आप ठीक हो गया, उनको ढाप दो ऐसे, जामे श्री वो भी रखो, मैं सालन भी लेके आ रही हूँ ठीक हो गया। पापा आपके आए, इनके पापा आए हैं तो वो बैग उन्होंने अंदर भेज दिया, फटाफट रोटी लेने भाग गए। हाँ जी निकाल लो जग, निकाल लो ठंडा पानी भी निकाल लो, दूसरा पानी भी निकाल लो, नहीं करो, चलो बैठो बच्चों बैठो ठीक है बैठ जाओ। वन मोहम्मद नहीं, आप भी बैठ जाओ। आ गए जी आ गए, कह रहे पापा आ गए। वालेकुम अस्सलाम, बादल भी बड़े घने आज तो। वो भी रोना शुरू हो गया देख के, वो भी रोना शुरू, हर पार में रखो कैसे रोटी, वो भी रोना शुरू हो गया। देख लिया क्या हुआ है? जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, ये देखो कैक्शा, मैं धो लूं, टाइम भी बड़ा कम है। एक मिनट है, नहीं 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 चार मिनट बाकी है, चार नहीं पांच है, पांच मिनट जी जी।
बैठ गया अपने पापा की गोद में। लड्डू ये जी हमारा सादा निकल जो कि जी बनके तैयार। बाकी हमने सारा टोटल सामान वहाँ पे रख दिया हुआ है। पानी रख दिया जाए मशीन जी। बना रही हूँ मैं, पानी कम है और बना लो क्योंकि बच्चे भी हैं ना। ये अल्लाह हमें अपना घर दे और मोहम्मद दुआ मांग रहा है आमीन आमीन। गाड़ी वाली कार भी दे।